हेलो बच्चों सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन रू है जिसमें हम इसको दिस इज द ईथर ईथर को हम हीट कर रहे हैं विद एच आई हमें क्या करना है जब हम इसको हीट करेंगे इस प्रोसेस के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या फॉर्म होंगे हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द की कॉन्सेप्ट सो की कंसेप्ट के अंदर हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज अबाउट द क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड इन ईथर्स सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सो इसके लिए एक जो पॉइंट है जब हम सी ओ बॉन्ड को तोड़ते हैं ईथर्स के अंदर अराइल हीथर्स के अंदर जब हम एक आ, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे सो देर इज अ नोट दैट शुड बी रिमेंबर्ड So, what is that not point that the alkyl aryl ethers are cleaved at alkyl oxygen bond due? टू मोर स्टेबिलिटी मोर स्टेबिलिटी और दोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बोंड सो इस, इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा अलकाइल ऑक्सीजन बोंड है अल्काइल ऑक्सीजन बोंड को हम तोड़ते हैं इंस्टेड ऑफ द अराइल ऑक्सीजन बोंड क्योंकि जो अराइल ऑक्सीजन बोंड होता है दैट इज स्ट्रोंग बोंड एंड जो हमारा अल्काइल ऑक्सीजन बोंड होता है दैट इज वीकर बोंड सो तोड़ना किस चीज़ को चाहना है दैट इज वीक सो इसके अंदर जो है अल्काइल ऑक्सीजन बोंन्ड टूटता है सो लेट्स अंडरस्टेंड दिस विद दी हेल्प ऑफ अवर क्वेश्चन सो दिस इज दक्चर

सो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है जो हमारा अल्काइल ऑक्सीजन बोंड है उसे तोड़ना ज़्यादा आसान है तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक यहाँ से बोंड क्या हो जाएगा ब्रेक एंड अब बोंड ब्रेक हो जाएगा देन हमारे पास क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स बनेंगे सो so, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी जो हमारा अराइल अराइल ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा एच अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसके पास एंड जो सेकेंड है जिसके ऊपर क्या आया है uh, यहाँ पर जो हमारा सी एच टू है बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ पर कैसे चार्ज आ गया पॉजिटिव तो आई क्या हो जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा सो दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट दैट वी गेट दिस इज दी सी एच टू so these are the two product or these are the structure of two product that we get by the heating of this compound with hi so these are the product that we get from this reaction so i hope you understand this we have proven our solution with the help of key concept as well all the best thank you